प्रतापगढ़ में पूर्व सांसद संगमलाल गुप्ता पर जमीन कब्जाने के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्थगन के आदेश के बावजूद बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। पूर्व सांसद के भांजे ने जबरन मिट्टी डालकर जमीन पर कब्जा कर रखा है। शिकायतकर्ता ने पुलिस प्रशासन पर कब्जा कराने का आरोप भी लगाया है। संगम नगरी प्रयागराज में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के हजारों कार्यकर्ता यमुना नदी की धारा में बैठकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। इस दौरान प्राइम टीवी से खास बातचीत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह ने बताया कि हम 26 सूत्री मांगों को लेकर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह पर बैठे हैं। उन्होंने कहा, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक कार्यकर्ता जल सत्याग्रह पर बैठे रहेंगे। हम लोग नदी में जल सत्याग्रह आंदोलन नाम से कार्यक्रम रखा गया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह के द्वारा। मांगे हमारी है कि पिछले विगत वर्षों में हम लोगों ने जो जन समस्याएं सरकार के लोगों को, प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया गया, उन बातों पे अमल नहीं किया गया। उन बातों को पुनः अमल में लाने के लिए और प्रशासन को जगाने के लिए ये आंदोलन रखा गया। मुख्य मांगे हमारे बालों का जो खनन पट्टे भी 10 साल से नहीं हो रहे हैं, बड़े उद्योगपति को न दे करके समाज के निषाद समाज के जो जहाँ जहाँ घाट, जैसे कंजासा हो गया, भीटा हो गया, मदारीपुर हो गया, कौशा आपके मैनापुर हो गया, लालापुर हो गया, जो भी घाटे हैं वहाँ निषादों को दिया जाए। है तो 26 सूत्री मांगे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ही मांगे। जब तक अगर प्रशासन चाहे इलाज खत्म हो जाएगा, नहीं चलता रहेगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रदेश में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सिद्धार्थ नगर की बड़नी पंचायत का है, जहां पीएम आवास में बड़ी धांधली सामने आ रही है। आपको बता दें कि पीएम आवास योजना में जिम्मेदार अधिकारियों की मदद से आवास नगर में न देकर ग्राम सभा में दिया गया है, जबकि ये आवास ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आए थे। वहीं अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। वहीं जब इसकी शिकायत की गई तो जांच के नाम कुछ नहीं किया गया। खबर गाजीपुर से है, जहां एक परिवार के 5 लोगों ने जहर खा लिया। मामला दिलदार नगर के जबरुना गांव का है, जहां पारिवारिक जमीन का बंटवारा ना होने के चलते दंपति ने ये खौफनाक कदम उठाया। बताया जा रहा है कि जबरुना गांव के रहने वाले ब्रजेश ने परिवार में जमीन बंटवारे के झगड़े के बाद अपनी पत्नी शकुंतला और 3 बच्चों के साथ गन्ने के रस में जहर घोल कर पी लिया। हालत बिगड़ने पर सभी को स्थानीय CSC ले जाएगा। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एक ही परिवार से 5 लोग आए थे, जिसमें 2 एडल्ट थे, 3 बच्चे थे, और भदौरा से रेफर किया गया था। अभी स्टेबल है, तो 5 लोग जो है सल्फास, जैसा कि बताया गया सल्फास का घर के मामले में। हम लोग अपने पापा जी से कह रहे थे कि हम लोग को दे दीजिए, हम लोग कहीं बनाए कहीं खाए, आराम से रहे। 3 लोग हैं, 3 लोग में झगड़ा होता है, कहीं नहीं दिए, मना कर दिए कि हम कहीं नहीं देंगे, एक ही घर रहेगा, एक ही में रहो, एक ही में खाओ, एक ही में पियो, सब रहो। इसीलिए हम लोग को गुस्सा नहीं बर्दाश्त। घर का एक टेंशन था। जी जी, किस तरह टेंशन था, क्या था हुआ? वही सबकी शादी हो गई है, जमीन बांटने के लिए कह रहे हैं अपने पिता से, नहीं बांटे, और अगर नहीं बांट रहे हैं तो भी हम कहें कि इस जगह हम अपने दुकान खोल लेते हैं, मत बांटिए अभी, तो दुकान खोलने भी नहीं दे रहे हैं, उसमें भी सब लोग अड़ंगा लगा दिए। खबर गाजीपुर से है, जहां पुरानी रंजिश में एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरा मामला गहमर थाना क्षेत्र के गदाईपुर गांव का है, जहां रहने वाले उपेंद्र यादव की खेत पर जाते समय बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने 4 नामजद लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गहमर गांव में करीब 6:30-7 बजे के करीब की घटना है। गांव के ही संजय चौधरी और उसके परिजनों द्वारा, एक गांव का ही लड़का है यादव लड़का, वो और उसका एक साथी शौच करके आ रहे थे, उसी समय उसके सिर पे सटा के गोली मार दी गई थी, जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर आई है। पुलिस द्वारा कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, और इसकी पृष्ठभूमि में क्या कारण हो सकते हैं उसका जानकारी का प्रयास किया जा रहा है, और शीघ्र ही जो इसमें नामित अभियुक्त हैं उनकी भूमिका निर्धारित करते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा। खबर गोरखपुर के मधुपुर से है, जहां 2 सगे पटीदारों में जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष ने पिता और पुत्र दोनों को गोली मार दी। दोनों गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती हैं।
पुत्र की हालत नाजुक है। आपको बता दें कि पुलिस अभी तक मामले की जांच कर रही है। ये थाना बड़लगंज थाने के अंतर्गत ग्राम भटपुरवा में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि दो पक्षों में वाद विवाद हुआ और उसमें उसी दौरान फायरिंग हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर आई और यहाँ आकर जानकारी की गई तो ये दो परिवार जो बिल्कुल लगे हुए इनके घर है, एक पक्ष मुन्ना लाल और दूसरा पक्ष कमलेश यादव का है। ये मुन्ना लाल यादव अपने जो पुराना खपरेल का इनका कमरा है उसके ऊपर ये अपनी बरसाती पन्नी डाल रहे थे और इसी बीच में जो इनके विपक्षी हैं अखिलेश, उनके द्वारा इसका विरोध किया गया और इनकी कहासुनी हुई और इसी बीच में अखिलेश और कमलेश यादव के द्वारा इनके ऊपर फायरिंग की गई जिसमें गोलू यादव और उनके पिता मुन्नालाल यादव को गोली लगी है जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ के थाना कुआरसी इलाके से एक मनचली की हरकत से परेशान पीड़ित युवती ने SSP से कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि करीब 3 महीनों से आरोपी उसका पीछा कर रहा है और छेड़छाड़ करता है। बीते दिनों दुकान पर सौदा लेने गई थी और पीछे से आए मनचलों ने छेड़छाड़ कर दी। विरोध करने पर 2 अज्ञात युवकों को लेकर पीड़िता के घर में घुसकर मारपीट भी की गई जिसकी सूचना पीड़िता ने अलीगढ़ थाना पुलिस को दी तो कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी खुलेआम पीड़िता को धमका रहे हैं। बागपत में ईंट भट्टा कर्मचारी संगठन के बैनर तले भट्टे पर मजदूरी करने वाले सैकड़ों मजदूरों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने भट्टा संचालकों पर आरोप लगाया कि भट्टा संचालक उन्हें सरकार द्वारा तय की गई मजदूरी से कम मजदूरी दे रहे हैं। भट्टा संचालकों की मनमानी से परेशान मजदूरों ने शिकायती पत्र देकर बागपत DM जितेंद्र प्रताप सिंह से मजदूरी दिलाए जाने की मांग की है। पिछले 3 साल से इनकी न्यूनतम मजदूरी भट्टा मालिक जो लोग हैं वे अपनी दबंगता से नहीं दे रहे। अगर हम ये इस संवैधानिक तरीके से मजदूरी मांग रहे हैं तो कोई अधिकारी कोई भी नहीं सुन रहा। अगर हम मान लीजिए किसी मंत्री या किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ आप शब्द बोलते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, मगर ये जो न्यूनतम मजदूरी है या किसी मजदूर की आवाज़ उठाने का काम करे इस पर कोई कार्रवाई कोई अधिकारी संज्ञान लेने के नाम का तैयार नहीं है। ललितपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ पुलिस ने चोरी के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 कार 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आपको बता दें कि ये चोरी की गई गाड़ियों को सस्ते में खरीदकर महंगे दामों में बेचा करते थे। बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा चुका है। इसके कब्जे से 2 अदद कार 6 अदद मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी बरामद हुई है। बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा 2 अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्तों से जो पूछताछ की गई है तो इनके द्वारा बताया गया है कि हम लोग सस्ते दामों पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो वाहन चोरी होती थे उनको सस्ते दामों पर खरीद कर महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमाते थे। जून का महीना खत्म होने को है लेकिन गर्मी से लोगों को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। वाराणसी में धूप के साथ अब उमस भी लोगों को परेशान कर रही है। पिछले 3 दिनों में 70 से ज्यादा मरीज एडमिट हो चुके हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है धूप की सख्ती कुछ कम होने की वजह से मरीजों की संख्या में कुछ गिरावट आई है लेकिन उमस के साथ धूप होने की वजह से उल्टी, दस्त और बुखार जैसे मरीज बढ़ रहे हैं। जिले के पंडित दीनदयाल अस्पताल में मरीज को सुविधाओं के लिए कूलर AC भी वार्ड में लगाए गए हैं। लोगों का सुचारू रूप से इलाज किया जा रहा है। सलाह मेरा यही होगा कि अभी धूप अभी भी गर्मी है, काफ़ी गर्मी है और लोग अपने आप को बचा करके रखें, अनावश्यक बाहर ना निकले, पानी खूब पिए और बाहर की चीज़ों का सेवन ना करें और यही है मेरा, वो पानी पीते रहें, पूरा आसिन का कपड़ा पहने, ज़रूरत ना हो तो ना निकले। खासतौर से 10 बजे से 3 बजे का जो समय होता है थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत वाला होता है तो इस समय थोड़ा बचा लेंगे, अभी बरसात गिरना शुरू हो जाएगा फिर वो चीज़ कम हो जाएगी। खबर अमरोहा से है जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि जर्जर तारों के टूटकर तालाब में गिरने से करीब 8 भैंसों की मौत हो गई और 2 भैंस घायल हो गई। भैंसों की कीमत करीब 10 लाख बताई जा रही है। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और नगर पालिका की टीम ने JCB से शवों को बाहर निकाला। तालाब है यहाँ पर मंदिर के पास में और ये भैंसे हैं तालाब में थी, बारिश आज काफ़ी हो रही है, कुछ अच्छी बारिश हो गई यहाँ पर, उसकी वजह से लगता है ट्रांसफार्मर है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसमें आग लगने के कारण शायद तालाब में बंद पड़ गया। वैसे जाँच का बंद हाइड्रोलिक होता है और पशु चिकित्सा हमारे आ रहे हैं वो PM कर रहे हैं
आठ भैंसें मृत हो चुकी हैं और दो अभी घायल हैं। उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब पी एम स्तर में चार सेवाएँ पहुँच चुकी है। वास्तव में आप कहाँ से मिली से या मतलब कैसे? आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahibshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मन चाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मन चाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हर्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हर्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोलाकस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सलों में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सलों एंड अकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960।